हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है रिएक्ट टू ऑल में। मेरा नाम है निखिल। तो गाइस, पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप ऐसे कंटेंट और देख सके। तो गाइस, आज एक हम सीरीज को रिएक्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द फेम गेम। तो ये गाइस नेटफ्लिक्स की सीरीज है और इसमें माधुरी दीक्षित है। तो गाइस, पता नहीं अब देखते हैं क्या होने वाला है सीरीज ट्रेलर में। तो चलो देखते हैं। I feel very blessed. I'm just a mom, a wife, a daughter. एक सिंपल सी फैमिली है। टच वुड, किसी की नजर ना लगे। मामा, do you know where my mom is? It's been 48 hours since the disappearance of the legendary actress Anamika Anand. Each and every minute is critical here. उनके डिसअपीयरेंस के पहले आप लोगों के लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आई वांट टू नो एवरीथिंग। शारीरिक संबंध कैसे आपके? नागपुर की मिडिल क्लास लड़की की ड्रीम गर्ल थी वो। शादी का चांस मिल गया, क्या लगता है कैसे होंगे रिलेशन? काफी क्लोज हो गए आप उनसे, तो आपसे वो सब शेयर करते होंगे? हम लोग सिर्फ वो एक्ट्रेस नहीं थे, उससे कहीं ज्यादा थे। वो है यही बदल थी, आई कैन फील सब कुछ होने की जरूरत है। सही जी, चेहरों के पीछे क्या है हमें यही जानना है। कैमरा के आगे कुछ और होता है और कैमरा का सच कुछ और हमें वही सच जानना। ये स्टारडम एक पल में गायब हो सकती है। सारी जिंदगी दूसरों के लिए परफॉर्म करते निकालते हैं, खुद के लिए कुछ करना है। जिसने पूरी लाइफ रोज एक नया रोल प्ले किया है वो खुद को कैसे याद रखेगा? तो गाइज, 25 फेब को आने वाली है सीरीज नेटफ्लिक्स पे। तो जैसे ही गाइज इस ट्रेलर में नज़र आ रहा है कि जो माधुरी का कैरेक्टर है वो इस सीरीज के अंदर एक एक्ट्रेस का रोल प्ले कर रहा है, तो सारी की सारी स्टोरी उसके अराउंड है। तो शायद वो मिसिंग है यहाँ पे, या फिर किसी ने किडनैप कर लिया है, और इसमें उसके लाइफ के इर्द गिर्द ये पूरी स्टोरी दिखाई गई है कि उसकी जो उसके फैमिली के साथ बॉन्ड कैसे है, उसकी वर्क लाइफ कैसी है और उसकी पर्सनल लाइफ कैसी है। दोनों बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो डिसअपियर हो गई है या किडनैप हो गई है ये तो पता नहीं है अभी। शायद ये एक फुल ऑन फैमिली ड्रामा होने वाला है गाइज। गाइज, मेरे को ये नेटफ्लिक्स से शिकायत है गाइज कि अमेरिकन इतनी अच्छी अच्छी सीरीज प्रोड्यूस कर रहे हो यार। कोरिया की हेल बाउंड देखी यार, इतनी सुपर थी। स्क्विड गेम देखी, इतनी सुपर थी यार। इंडिया में भी कोई एक ऐसी सीरीज आ जाए तो यार मजा आ जाए। जब तक नहीं आती तब तक आप फेम गेम देखिए गाइस। अब शायद इसमें दिखाया जाएगा कि फेम के साथ साथ और भी चीज़ें आती है लाइफ में जो टैकल करना बड़ी मुश्किल होता है। तो शायद इसमें ये सीरीज़ में उसको रिवील किया जाएगी क्या क्या होता है एक फेम आने के साथ साथ इंसान की पर्सनल लाइफ और जो उसकी प्रोफेशनल लाइफ होती है उसको कैसी कैसी चेंज हो जाती है। माधुरी दीक्षित और संजय कपूर की परफॉर्मेंस तो अच्छी लग रही है गाइज इसमें। बाकी जो मेन फोकस होगा गाइज वो स्टोरी के ऊपर होगा। अगर स्टोरी अच्छी होगी तो शायद सीरीज अच्छी चलेगी, और नहीं होगी तो शायद नहीं चलेगी गाइज। तो गाइज, आपको ये सीरीज ट्रेलर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय।